एक और सूबे की हेमंत सरकार हर जिला प्रखंड में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर लोगों की समस्याओं से रूबरू होकर ऑन द स्पॉट निष्पादन कर रही है। वहीं दूसरी ओर गुरुवार को झरिया में सैकड़ों की संख्या में वृद्ध झरिया अंचल कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ विरोध उन्होंने जताया। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। उम्र के इस पड़ाव पर जब सभी अपने घर पर आराम करते हैं और भावी पीढ़ी में संस्कार डालने का काम कर रहे होते हैं, झरिया की ये बुजुर्ग हाथों में अपनी मांगों की तख्ती लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जो सालों से अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते हुए तंग आ गए थे। किसी की पेंशन नहीं आ रही, किसी को योजना का लाभ नहीं मिला, किसी को पेंशन स्वीकृत हो गया लेकिन शुरू नहीं हो पाया। हम मांग है कि हम आज 17 से चक्कर लगा रहा हूँ बीडीओ ऑफिस, समझ गए, यहाँ पर हमारे आज तक का सुनाई नहीं हुआ। मैं 10-12 मर्त आ चुका हूँ और कागज भी दे चुका हूँ। विधवा पेंशन के लिए हम लोग बहुत व्यस्त हैं, हम बहुत मजबूरी में हैं, एक तो यही सहारा था। एक तरफ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर लोगों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ रही है, वहीं इन बुजुर्गों को उस योजना का लाभ ही नहीं मिल पा रहा जिन योजनाओं से उन्हें आच्छादित किया गया था। अरब तो ये भी है कि योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ता है। कई तो गुस्से में से भ्रष्टाचार आपके द्वार कार्यक्रम कहते हैं। पहले जो सीओ साहब थे उनके पास मैंने दिया, वो बोले अभी रुक जाइए, साइड बंद है करके काफी दिनों तक, और कोरोना काल हो गया था इस कारण से रुक गया। रुकने के बाद तो अभी तक चालू नहीं हुआ, उसके बाद ही सीओ से मिलना चाहे कितने बार। अंचल अधिकारी समस्या पर कहते हैं कि पिछले सीओ से कुछ डेटा डिलीट हो गए थे, इसी वजह से परेशानी बढ़ी है। साथ ही वो अपील करते हैं कि ग्रामीण किसी दलाल के चक्कर में ना आए, उनकी पेंशन जल्द रिलीज होगी। कि किसी भी तरह का कार्य दस्तावेज वगैरह जो भी काम वगैरह होगा कार्यालय में आए, हमारे पास भी आपके लिए द्वार खुला हुआ है। हमारे कार्यालय में स्टाफ है, कर्मी है, हमेशा रहते हैं, उनके पास भी दे सकते हैं। योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए काफी प्रयास किए जाते हैं, लेकिन जरूरी है योजनाएं सही तरीके से चलती रहे। इसके लिए योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग होती रहे ताकि इन बुजुर्गों को कम से कम इस तरीके से प्रदर्शन तो ना करना पड़े। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण बंडवाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।